हेलो बच्चों, मैं संतोष सर, आपका ज्ञान ट्यूटोरियल में स्वागत है। हम लोग बच्चों यूनिट नंबर 12th की केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसका नाम था एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। तो उसमें हम लोग बच्चों एल्डिहाइड कीटोन पढ़ चुके, अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक। इसमें कौन से स्टार्ट करेंगे? कार्बोक्सिलिक। ठीक, तो कार्बोक्सिलिक का सिंबल आपको पता होगा, C डबल OH। एक ग्रुप होता है, दैट इज द सिंगल बॉन्ड। तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कंपाउंड हम लोग को पढ़ना है। इसमें जैसे आपने सुना होगा एलिफैटिक, कई बार आपको बताएगा कि एलिफैटिक जो होता बच्चों वर्न करने पर नॉन स्मोकी फ्लेम के साथ जलता है, और एरोमेटिक स्मोकी फ्लेम के साथ जलता है। तो एलिफैटिक में बच्चों C डबल OH और एक यहाँ पे H आ जाएगा, तो इसका नाम क्या है? फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है? फॉर्मिक एसिड। अगर आप इसकी IUPAC लिखना चाहते हैं तो कितने कार्बन है? एक को क्या बोलोगे? मेथेनोइक, आगे क्या? एसिड, मेथेनोइक एसिड। एक कार्बन है मेथ, हो गया सिंगल बॉन्ड N, और C डबल OH में क्या ऐड होता है? ओइक एसिड। उसी तरीके से दो कार्बन का C डबल OH और H के स्थान पे क्या आ जाएगा? CH3। तो कितने कार्बन का हो गया? दो। तो दो कार्बन का ये आपका हो जाएगा, बहुत फेमस नाम है, एसिटिक एसिड। इसे हम IUPAC में जाएंगे इसी पैटर्न पे बच्चों, कितने कार्बन हैं? दो। दो को आप कहेंगे एथ, यहाँ पे आ जाएंगे एन, यहाँ क्या जोड़ देंगे? ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। तो हमारे एलिफैटिक में जनरली बच्चों दो कार्बन है, एक कार्बन का और दो कार्बन, मतलब दो कंपाउंड है, तो एक फॉर्मिक एसिड है और एक एसिटिक एसिड। उसी तरीके से एरोमेटिक में आ जाइए, एरोमेटिक, इसमें आप जानते हैं कि बेंजीन से एक एच कम करिए, C6H5C डबल OH, या इसी का आप बच्चों स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। ये बेंजीन हो गया, इसके ऊपर आप क्या बैठा दीजिए? COH, और इसका नाम है बेंजोइक एसिड। तो ये आपका हो गया बेंजोइक एसिड, ये हमारा एरोमेटिक हो गया, और ये हमारा एलिफैटिक। तो हमारा जो फोकस होगा बच्चों, तो ये कार्बोक्सिलिक में हम लोग कंबाइंड पढ़ रहे हैं, फॉर्मिक एसिड भी प्रिपरेशन हो सकती है, एसिटिक एसिड ही और बेंजोइक एसिड। तो इस तरीके से तीनों की कंबाइंड प्रिपरेशन पढ़ेंगे हम लोग, जिसकी भी प्रिपरेशन आ जाए। फिर इसमें अगर हम लोग कुछ क्लासिफिकेशन करना चाहें, तो क्लासिफिकेशन में संख्या के आधार पर, नंबर के आधार पर भी इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर मोनो कार्बोक्सिलिक, मोनो कार्बोक्सिलिक, तो मोनो में बच्चों एक C डबल OH आना चाहिए। जैसे ये C डबल OH इसमें भी आ जाएगा, जो अभी अभी हम लोग पढ़े थे, CH3 C डबल OH। एक और ले लीजिए आपका C6H5 C डबल OH। डाई कार्बोक्सिलिक में दो C डबल OH आ जाए, कितने? C। तो डाई कार्बोक्सिलिक में C डबल OH, दो जिसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो उसे मोनो कार्बोक्सिलिक बोलोगे, जिसमें एक और जिसमें एक से ज़्यादा है, नहीं दो है, तो ये डाई कार्बोक्सिलिक। अगर तीन है तो 3 C डबल OH हो सकता है। तो ये भी आपकी लेबल की बहुत अच्छी चीज़ है, जिसको आप किस नाम से जानते होंगे? ऑक्सैलिक एसिड। क्या है? ऑक्सैलिक एसिड। आप लोग प्रैक्टिकल वगैरह में भी बच्चों एसीटेट का टेस्ट कर रहे होंगे इस समय प्रैक्टिकल वगैरह में, तो आप अक्सर क्या पढ़ते रहोगे? सॉल्ट लिया, डाइल्यूट H2SO, सॉल्ट लिया और उसमें ऑक्सैलिक एसिड लिया, तो ऑक्सैलिक एसिड का ये फार्मूला होता है। इसको अगर हम ऐड करके फार्मूला दें तो H2C2O4, आप ऐड करिए, HH
CCC2 और वो कितने हो गए 4। इस ऑक्जेलिक एसिड की भी अगर IPC लिखना चाहते हो तो एथेन 2 कार्बन हो गया 1, 2 एथेन और 1, 2 और 2 बार है तो बच्चों डाई ओइक एसिड, ठीक है, इथेन 1, 2 डाई ओइक एसिड। तो इस तरीके से हम लोग इसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन था एक्सप्लेन कर दिया। वैसे बेंजीन पे भी COOH 2 बार बैठा सकते हो। अब सबसे मेन इसका होगा बच्चों प्रिपरेशन, यानी कार्बोक्सिलिक का प्रिपरेशन। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक। तो पहला प्रिपरेशन अगर हम लोग पढ़ते हैं फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से इसका हमें प्रिपरेशन करना है। तो पहला अगर हम लोग लेते हैं CH3OH, क्या नाम है इसका, CH3 मिथाइल और OH को क्या कहोगे, एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। इसका जब क्या होने जा रहा है, ऑक्सीडेशन। तो किसी भी एल्कोहल का एक जनरल लैंग्वेज है, आप लोग को याद होना चाहिए कि किसी भी एल्कोहल का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं किसके प्रेजेंस में, K2Cr2O7 और H2SO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में किसी भी एल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो टू फॉर्म द एल्डिहाइड, ये वर्ड क्लियर रहे, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का सिंबल क्या होता है बच्चों, CHO। लेकिन कितने कार्बन का एल्कोहल है, 1 कार्बन का, एल्डिहाइड भी कितने कार्बन का बनेगा, 1। तो इसका क्या नाम है, फॉर्मल डिहाइड प्लस क्या बनेगा, H2O। अब चूंकि बच्चों हमें हर हाल में कौन सी ग्रुप लानी है, COOH लानी है, तो हम एल्डिहाइड पे नहीं रुकेंगे, उसका फिर आगे प्रिपरेशन करेंगे। तो फिर उसको लाएंगे HCH और प्लस फिर ऑक्सीडेशन, और इसका जब फिर ऑक्सीडेशन करोगे बच्चों, तो जैसे ये आपको अगर लर्न कर लिया कि किसी भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑलवेज टू फॉर्म द एल्डिहाइड, एंड एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो टू फॉर्म द एसिड, एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो COOH और आगे क्या लगा देंगे, H। इसलिए आपसे कह रहे हैं 1 कार्बन 2 कार्बन के कंपाउंड एकदम आपको रटा रहना चाहिए, उसके नाम भी रटे हों, और अगर IPC भी हो तो IPC भी, जैसे इसका IPC क्या हो जाएगा, 1 कार्बन है, 1 कार्बन को आप क्या कहते हो, मेथ सिंगल बॉन्ड, एन एल्डिहाइड में क्या जुड़ता, अल, तो मिथेनल। और इसका जैसे था IPC मिथेनॉल, तो ये बन गया, तो फॉर्मल्डिहाइड से ये आपका क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड। तो इस तरीके से हमारा एक प्रिपरेशन हो गया किसका, 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया फॉर्मिक एसिड। अब इसका फेमस नाम भी क्या है, फेमस नाम तो यही था फॉर्मिक एसिड, IPC देनी है, फिर कितने कार्बन है, 1, 1 को आप क्या बोलते हो, मिथ और सिंगल बॉन्ड एन और उसमें क्या जोड़ दो, ओइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। तो इसका मतलब ये कितने स्टेप में आ गया, 2 स्टेप में। यही आपको अगर 1 स्टेप में लिखना है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, तो 1 स्टेप में भी तैयार हो जाएगा। अगर इसको हम क्या कर दें, ऐड कर दें, तो आपको देखिए तो यहाँ पे फिर से क्या आ गया, CH3OH प्लस ऑक्सीडेशन, यहाँ पे मेन कंपाउंड क्या है, HCOOH और प्लस H2, यहाँ पे ऑक्सीजन नेसेंट आपका कितना है, 2। तो आप डायरेक्ट 1 स्टेप में भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों जैसे आप 1 कार्बन से 1 कार्बन का एल्डिहाइड बनाया और फिर 1 कार्बन का एसिड बन गया, उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे कितने कार्बन का ले लें, 2 कार्बन का, तो 2 कार्बन का बन जाएगा कंपाउंड, इतने 2 कार्बन का। तो अब 2 कार्बन का इसमें बनाते हैं, मान लीजिए सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं,
तो एक कार्बन का बच्चों क्या था, मिथाइल एल्कोहल। तो अब मान लीजिए हम लोग सेकंड कार्बन मतलब C2H5OH इसका क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन। फिर वही कितने कार्बन का है, कंडीशन सेम, K2Cr2O7H2SO4। अब ये दो कार्बन का है तो भाई दो कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा। अब एल्डिहाइड का सिंबल बच्चों CHO और उसके आगे क्या लगाना है आपकी CH3, उसमें एक H लगाया था, इसमें क्या लगा दिया CH3। अब ये दो कार्बन का एल्कोहल था तो दो कार्बन का एल्डिहाइड फॉर्म हो गया, इसका क्या नाम है, एसिटल डिहाइड। और इसका नाम क्या था, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। और प्लस डिक्टो उसी तरीके से आप जाइए, फिर उसी तरीके से अगर हम लोग फिर इसको ले आए, तो फिर दो कार्बन का एल्डिहाइड है तो दो कार्बन का एसिड बन गया। ठीक है, तो इसका नाम पता ही होगा, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। आईपीसी हो जाएगा इथेनोइक एसिड। इसकी अगर हम आईपीसी लिख देते हैं, ये दो कार्बन एथेन, इसमें क्या जुड़ जाएगा, अल इथेनल। इसको अगर हम लोग फिर ऐड करके तो एक स्टेप में भी लिख सकते हैं, और नहीं तो ऐसे तो कई बार पेपर में आया बच्चों कि एल्कोहल से कैसे फॉर्म करोगे एसिटिक एसिड, कौन सा एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल जिसकी आईपीसी है इथेनॉल, से कैसे फॉर्म करोगे एसिटिक एसिड। तो कितने स्टेप में लिख के आइएगा, दो स्टेप में। अगर इसको ऐड करना चाहते हो तो भी फिर उसी तरीके से हो जाएगा। सेम कंडीशन हो गई और आपका क्या हो गया, CH3COOH+। इसमें बच्चों एक मिनट, इसमें वाटर नहीं बनेगा क्योंकि इसमें पूरा वो ऐड हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, H2O। तो इस तरीके से आप एलिफैटिक के आपने पढ़ लिया। इसी तरीके से हम लोग एरोमेटिक का भी लिख सकते हैं, एरोमेटिक का भी लिख सकते हो। तो एरोमेटिक का एल्कोहल लेना पड़ेगा, तो कौन सा एल्कोहल हो गया, CH2OH। चाहे ऐसे लिख लो चाहे, चाहे बिना स्ट्रक्चर के भी लिख सकते हो, C6H5CH2OH। ये ध्यान देना पड़ेगा आपको कि C6H5CH2OH लेना है, C6H5CH2OH लेना है। अब इसका नाम बहुत ज़रूरी है, तो बहुत दिक्कत यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर आपको नाम नहीं पता, नाम तो हर कंपाउंड को पता होना चाहिए। हम अक्सर आपको बताते हैं कि हमारा जो आर्गेनिक का स्टार्टिंग का पहला वीडियो है उसमें हमने केवल आपको फार्मूला ही बताया है, जिससे आपके एलिफैटिक एरोमेटिक के फार्मूले, भाई आप जब फार्मूला याद होगा तो कम से कम ये लिखा तो इसका आप तुरंत नाम बता सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसको हमने कई बार एक्सप्लेन किया बच्चों कि अगर इतना ग्रुप होता जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ तो दैट इज कॉल्ड फिनाइल। बेंजीन से एक एच कम होकर के ध्यान दीजिएगा बेंजाइल नहीं बल्कि क्या होता, फिनाइल। लेकिन जब उसमें हम बच्चों CH2 इंक्रीज कर देते हैं, यानी इतना अंडरलाइन कर दिया, तो दैट ग्रुप इज कॉल्ड बेंजाइल, बेंजाइल। और OH हो जाता है तो एल्कोहल, तो बेंजाइल एल्कोहल। फिर इस बेंजाइल एल्कोहल का, अब जैसे एल्कोहल का अभी भी आप लोगों ने क्या कर रहे थे, ऑक्सीडेशन, जैसे K2Cr2O7 या यहाँ पे KMnO4 भी यूज कर सकते हैं H2SO4 के प्रेजेंस में, पोटेशियम परमैंगनेट या वही यूज कर लीजिए। अब इसका जब हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते, तो अभी आपने पढ़ा था एल्डिहाइड बनता है, तो बिकॉज वहाँ पे एलिफैटिक था, ये क्या है, एरोमेटिक। ठीक है, दोनों चीज़ें एक ही हैं बच्चों, ये स्ट्रक्चर में शो किया गया, तो इतना ग्रुप याद हो गया तो बेंजिल हो गया, यानी यहाँ तक कौन सी ग्रुप हो गई, बेंजिल, और OH लगा है तो एल्कोहल। और इसका जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड में क्या बैठा देंगे ऊपर, बस CHO। ये तो आपका जनरल लैंग्वेज में आप यूज कर रहे हैं कि बेंजीन के ऊपर क्या बैठे हो, CHO, तो इसका नाम क्या है, बेंजल डीहाइड। ठीक
ठीक है, बेंजल्डिहाइड प्लस क्या बना था, H2O। फिर हम लोग को बच्चों जाना कहाँ है, कार्बोक्सिलिक लाना है, तो फिर इस एल्डिहाइड का क्या कर दो, ऑक्सीडेशन, यहाँ फिर ले आया और इसका क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन। तो ये आपका क्या बन गया, C-OH। बस आपका आ गया क्या, हमारा टारगेट कंप्लीट, बेंजोइक एसिड आ गया। तो इस तरीके से आप एलिफैटिक, इसको भी बच्चों अगर ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक स्टेम में बना सकते। तो कई बार आया है कैसे फॉर्म करोगे बच्चों बेंजिल एल्कोहल से बेंजोइक एसिड। अगर बेंजिल एल्कोहल से बेंजल्डिहाइड पूछेगा तो इसी पर रोक देना, अगर यहाँ पूछ रहा है यहाँ तक चले आएंगे। तो जितना ज़्यादा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज याद होगा या प्रिपरेशन याद होगा, उतना ही अच्छा बच्चों आपका कन्वर्जन मतलब एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड का चेंजिंग बेटर होगा। नेक्स्ट, अगर अभी हम एल्कोहल से ही पढ़ाया आपको, अब दूसरा अगर हम पढ़ा दें क्या, हम लोग एल्डिहाइड से बनाना चाहते हैं, किससे, एल्डिहाइड। तो देखा जाए तो अभी जो हम लोग पढ़े हैं उसी में आंसर छिपा है, किससे, एल्डिहाइड। तो अब हम लोग एल्डिहाइड से बनाने जा रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड से अगर हम लोग बना रहे हैं, फ्रॉम एल्डिहाइड, तो देखिए फॉर्मल्डिहाइड SCH, तो देखिए अभी हम लोग जो पढ़े थे दो स्टेप में उसी में एक स्टेप में आंसर छिपा था, इसलिए कहते हैं जितना अच्छे से आप लर्न करोगे तो वो चीज़ें उसमें रिपीट मिलेंगी। अभी फॉर्मल्डिहाइड, चलो आपकी क्या ले लिया, एस्टल्डिहाइड, आपकी क्या ले लिया, बेंजल्डिहाइड, ये देखिए तीनों एक साथ दे दिया। अभी आप पढ़े थे किसी भी एल्डिहाइड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ पे क्या लिखना है, वही K2Cr2O7 और नीचे क्या था, H2SO4, ठीक है, ऐसे ही लिख सकते हैं। अब देखो तीनों एक साथ कितने अच्छे से आप पढ़ रहे हो कि किसी भी एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक। जब इसमें बच्चों एक O आ जाएगा तो HCOOH, HCOOH, फिर इसमें जब आ जाएगा तो CH3COOH, प्लस इसमें भी वही आ जाएगा। तो कितने अच्छे से आपका कंप्लीट हो गया, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और ये बेंजोइक एसिड। इस तरीके से हम लोगों ने एल्कोहल से भी पढ़ लिया। अब हम थर्ड रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, फ्रॉम एमाइड। अब सबसे पहले बच्चों हम लोगों को क्या याद होना चाहिए, एमाइड का सिंबल। तो एमाइड का सिंबल क्या होता है, CONH2। ये किसका सिंबल होता है, एमाइड का। तो अब अगर हम लोग CONH2 और यहाँ पे मान लेते हैं क्या ले लिया, CH3, तो ये दो कार्बन का एमाइड हो गया, दो कार्बन का क्या हो गया, एमाइड। और इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस ये वाटर है, ध्यान देना, ब्रेक करके लिखा है। तो आपको बनाना क्या है, कार्बोक्सिलिक बनाना है, बना लो। तो CH3COOH और इसको अगर देखें तो NH2 और H आपका क्या बन जाएगा, NH3, ठीक है, एसिटिक मीडियम में। कभी कभी लोग HCl भी यूज करते हैं, तो HCl HS+ जब भी होता है तो एसिडिक मीडियम होता है। अगर यहाँ HCl लेते हो तो HCl अगर इसमें शामिल कर लोगे तो NH3+HCl मिल करके यहाँ पे अमोनियम क्लो राइड भी लिख सकते हो। तो याद हो गया कि इसका नाम, लेकिन बच्चों क्या है, अब देखो फिर वही प्रॉब्लम, हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि हर हाल में बच्चों आपको क्या याद होना चाहिए, नाम जरूर याद होना चाहिए। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो तो आपको नाम जरूर याद हो। तो यहाँ पे इसका नाम क्या होगा बच्चों, बहुत फेमस है, एसीटामाइड। क्या नाम है, एसीटामाइड। इसके अलावा आप एक और दे सकते हैं, IPAC, कितने कार्बन हैं, दो, दो को हम लोग बोलते हैं एथेन, एथेन हो गया। और इस एमाइड में एक अच्छी बात है बच्चों कि एमाइड में एमाइड ही जुड़ता है, तो एथेनामाइड,
एथेनामाइड, तो ये आपका बन गया किससे, एमाइड से। तो इसी प्रकार से अगर हम लोग बेंजामाइड से भी बना सकते हो, तो बेंजामाइड का फार्मूला क्या है, मान लीजिए इसमें हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, दूसरा क्या ले ले रहे हैं, तो बेंजामाइड में बस बच्चों क्या लिखो, C6H5 हो गया, अब फिर ये ग्रुप जोड़ दीजिए CONH2, तो इसका नाम क्या है, बेंजामाइड। इसका फिर वही चीज़ हाइड्रोलिसिस यानी वाटर इन द एसिडिक मीडियम। इसी तरीके से ये भी बच्चों C6H5COOH plus NH3। तो इस तरीके से आपका ये भी बन गया, या नाम तो याद ही है, एसिटिक एसिड, और ये क्या हो गया, बेंजोइक एसिड। तो इस तरीके से हम लोगों ने किससे बना दिया, एमाइट से बन गया। अब अगला हम लोग ट्राई करते हैं साइनाइड से, किससे, साइनाइड से। तो नेक्स्ट हेडिंग आप राइट करें, फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं, फ्रॉम साइनाइड। अब बच्चों साइनाइड को आईपीसी में क्या कहते हैं, नाइट्राइल, क्या कहते हैं, नाइट्राइल। और इसका सिंबल क्या होता है, सीएन, ठीक है, सीएन सिंबल होता है, सीएन पे एक माइनस भी होता है। तो अगर साइनाइड से चलना है तो जैसे इसमें हमने ला दिया, देखो सीएन है, सीएन एच ला दिया, अब इसी सीएन में मान लीजिए हमने क्या ला दिया, CH3 ला दिया, इसी में हमने मान लीजिए C6H5 भी ला दिया, ठीक है, तो हाइड्रोजन साइनाइड, मिथाइल साइनाइड, ये तो बहुत फेमस है बच्चों, ये आप अक्सर देखते होंगे, मिथाइल साइनाइड। ये ध्यान दीजिएगा, C6H5 को हम क्या पढ़ते हैं, फिनाइल, और CN को साइनाइड, फिनाइल साइनाइड। या इसका हम एक रूप और बनाए बच्चों, ये हो गया CN, तो क्लियर होगा, बेंजीन के ऊपर क्या बैठा दिया गया, CN, तो फिनाइल साइनाइड ये भी हो गया। इसका याद रखिएगा हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस सबका कर दीजिए, ये दोनों चीज़ एक ही है, अगर इसमें देखना चाहते हैं तो इसमें देख लीजिए। इस तरीके से आप बच्चों कंपैरिजन स्टडी पढ़िए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्शन है और एक जैसे मैच भी मिलते जुलते भी बहुत हैं। तो अब आप देखिए, एक साथ आप पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन साइनाइड, मिथाइल साइनाइड, फिनाइल साइनाइड एंड फिनाइल साइनाइड, और हमें जाना कहाँ है, COOH ग्रुप पे। तो COOH, अब आप बताइए यहाँ कितने कार्बन है, एक, तो एक कार्बन का आप अपना एसिड बना लीजिए, फॉर्मिक एसिड। यहाँ ध्यान से देखिए कितना बच्चों, 1 O1, दो कार्बन का अपना एसिड बना लीजिए। यहाँ पे देखिए 6 और 1, ये ध्यान दीजिए 7 का है, तो 7 का हो गया C6H5COOH, तो 6 यहाँ है, 1 यहाँ, तो ये भी कितने कार्बन का, 7 कार्बन का बन गया। तो यही चीज़ यही भी है बच्चों, बस यहाँ पे स्ट्रक्चर के फॉर्म में, तो आप स्ट्रक्चर के फॉर्म में रख दीजिए COOH। इस तरीके से आप सबके नाम याद होगा, फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये भी तो वही चीज़ है, बेंजोइक एसिड बस केवल क्या है, स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से आप इसकी सबके क्या बना डालें, प्रिपरेशन, लेकिन साथ में क्या होता है कि इक्वेशन कंप्लीट करनी चाहिए हम लोगों को। तो अगर आप यहाँ से देखिए तो HCOOH हो गया, अब यहाँ बचा क्या, लेकिन एक बात है, यहाँ पे 2 लगा है तो इसको लग जाएगा 2, और यहाँ पे NH3। अब इसको अगर बैलेंस करिए तो 3 और 1 4 और 5H, 2 2 जा 4 और 1 1 5, किसी भी चेक कर लीजिए तब हो गया। अब तो इसका मतलब सब में हमको क्या करना होगा, 2 2 लगा देना होगा, क्लियर। तो 2 2 जा 4 4 और 3 7 3 1 4 3 7। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से आप एमाइड से भी पढ़ लिया, और इसका क्या नाम है, साइनाइड। तो जो भी नंबर होगा इस तरीके से आप, अब हम फ्रॉम एस्टर से पढ़ने जा रहे हैं, किससे,
एस्टर, तो फ्रॉम एस्टर। अब एस्टर आया बच्चों, तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हम एस्टर का क्या फंक्शनल ग्रुप होता है, क्या सिंबल होगा, तो ये आपके दिमाग में बात घूमने लगने चाहिए। तो यहाँ पे फ्रॉम एस्टर, तो जैसे ही एस्टर वर्ड आया तो आपको तुरंत याद होना चाहिए, अरे सर सी आर सी ओ आर, या इसको आप ऐसे भी डिजाइन बना लेते हो आर सी ओ ओ, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका आ गया, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए आर सी ओ आर, इस तरीके से एस्टर से हमें पढ़ना है। अब एस्टर में मान लीजिए आर पे हमने क्या ले लिया, सी एस थ्री सी ओ ओ, अब आगे फिर सी एस थ्री, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है, फ्रॉम एस्टर से जो भी नंबर हो यहाँ पे नंबर डाल देना, तो सी एस थ्री सी डबल ओ सी एस थ्री और वाटर ले लिया। तो यहाँ से फिर देखिए अगर आप, तो क्या हो जाएगा सी एस थ्री सी ओ एच, और यहाँ क्या बच्चा ओ एच, यहाँ क्या बच्चा सी एस थ्री। अब आप ध्यान से देखिए हम लोग का क्या टारगेट चल रही है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप फॉर्म करना, कार्बोक्सिलिक में ये आ गया, लेकिन साथ में एक नॉलेज और फॉर्म हो रहा है एल्कोहल, तो ये तो याद होगा एसिटिक एसिड, और ये आपका हो गया मिथाइल एल्कोहल, या फिर आई पी सी में जा सकते हो इथेनोइक एसिड और ये मिथेनॉल। तो इसी तरीके से आप एसिडिक मीडियम लिखे, इसी तरीके से अगर हम यहाँ सी एस थ्री के स्थान पर बच्चों क्या ले लें सी टू एच फाइव सी डबल ओ, और प्लस फिर क्या एच ओ एच, और फिर इसी तरीके से अगर आप बना लीजिए तो आपका क्या हो गया फिर सी टू एच फाइव सी ओ एच प्लस, अब यहाँ क्या बचा सी एस थ्री, यहाँ क्या बचा ओ एच, फिर बन गया मिथाइल एल्कोहल। लेकिन ये आपका तीन कार्बन का कार्बोक्सिलिक बन गया, तो तीन कार्बन को आप क्या बोलोगे प्रोपेन, इसमें क्या जोड़ देंगे ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। अगर हम लोग बच्चों इसी पे एरोमेटिक ले आए तो सी सिक्स एच फाइव सी डबल ओ सी एस थ्री, या इसी को हम स्ट्रक्चर का रूप भी दे सकते हैं सी डबल ओ सी एस थ्री, ये भी एस्टर ही है सब में सी डबल ओ। अब इसका नाम मिथाइल, ऐसे बोलते हैं बेंजोएट, मिथाइल बेंजोएट, मिथाइल बेंजोएट, इसका फिर उसी तरीके से कर दीजिए, चाहे इसमें करिए और चाहे स्ट्रक्चर फॉर्म में कर लीजिए। तो हो गया क्या सी सिक्स एच फाइव सी ओ ओ एच प्लस सी एस थ्री ओ एच सी एस थ्री ओ एच, ऐसे ये भी वही स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर पे आपका आ गया क्या सी एस थ्री ओ एच, ठीक है, ये आपका हो गया बेंजोइक एसिड। तो इस तरीके से फिर देखिए आपका दो कार्बन तीन कार्बन और ये आपका एरोमेटिक में आ गया। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने एस्टर से भी इसकी प्रिपरेशन पढ़ लिया। नेक्स्ट जो आ रहा है हम लोग का वो है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से, किससे ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो सब अब फिर जैसे आपके दिमाग में आ गया कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट आ गया, तो फिर वही कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट किसे कहते हैं, तो आपको याद होगा आर एम जी एक्स, आर एम जी एक्स। तो जैसे ग्रिग्नॉर्ड आया बच्चों, फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, अगर ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट आ गया तो तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए बच्चों आर एम जी एक्स, यानी हमारा क्या होगा आर एम जी एक्स होगा। तो आर पे आप जानते होंगे हम लोग क्या यूज करते हैं मिथाइल इथाइल, मान लिया हमने मिथाइल ले लिया और यहाँ पे क्लियर है मैग्नीशियम, और एक्स का मतलब भी आपने पढ़ा होगा हैलोजन,
जिसे आप हैलाइड भी बोलते हो, उस हैलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसमें से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, चाहे क्लोरीन चाहे ब्रोमीन। ठीक है, मान लीजिए हमने ब्रोमीन यूज कर लिया, ये याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन होगा। किससे होगा? तो हर बच्चे को कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला याद होगा, CO2। लेकिन बच्चों उस CO2 को देखो हम कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर के रूप में है, आपने फोर्थ लेसन फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है। अब आपके दिमाग में होगा आप सिंपली क्यों नहीं लिख रहे हो, तो इसको इस तरीके से लिखा जा रहा है जिससे प्रोडक्ट बनेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, अब इस डिजाइन में इसलिए लिखा गया कि देखिए जो कंपाउंड प्रोडक्ट बनेगा तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो CH3, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए CH3 हमने लिखा, अभी MgBr भूल जाइए और इस O को हमने ऊपर कर दिया, तो ये CH3 डायरेक्ट इस C से जुड़ गया, वो कहाँ पहुँच गया, ऊपर पहुँच गया। अब क्या बचा बच्चों, O, और इधर क्या बचा, MgBr। तो यहाँ पे आप O लिखोगे और जोड़ दोगे MgBr। अभी सब आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि सर सिंगल बॉन्ड क्यों हो गया, क्योंकि आप देखते हैं ऑक्सीजन ऑलवेज टू लोगों से अटैच होता है केमिकल बॉन्ड में, क्योंकि ऑक्सीजन का अगर बेसिक चीज़ें जाएं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है। अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे, अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें बच्चों, तो ऑक्सीजन का क्या होता है 8, तो आपने क्या किया 2 6, तो इसके आउटर मोस्ट में क्या है 6 है, तो कितने से जुड़ेगा 2 से, तो 2 यहाँ पे आपका किससे सेटिस्फाइड हो गया था, डबल बॉन्ड से। और यहाँ पे क्या हुआ सिंगल, कि एक यहाँ से सेटिस्फाइड हो गया और एक यहाँ से, मतलब ऑक्सीजन कुल मिला के 2 से जुड़ना चाहिए, चाहे आप सिंगल से जोड़ पाइए या डबल से। ऐसे कार्बन भी आपने सुना होगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है आफ्टर कॉन्फिग्रेशन 2 6 इन द आउटर मोस्ट, सॉरी कार्बन का एटॉमिक नंबर जैसे था 6, इसको आप जब कॉन्फिग्रेशन करोगे 2 4 आया, तो 4 आया तो इसको क्या है लास्ट में 4, तो ये 4 से क्या करेगा शेयरिंग करेगा, तो अब उसको चाहे आप सिंगल से जोड़ दीजिए चाहे डबल से ट्रिपल, यानी कुल मिला के आपको ये नॉलेज रखना है कि कार्बन 4 लोगों से अटैच होगा। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे ये सब क्या हुआ, जुड़ गया। तो जुड़ने के बाद इसको आप बोल सकते हो एडिशन कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड, या हिंदी में आप बोल सकते हो योगात्मक यौगिक। इसके बाद फिर इसकी जो रिएक्शन होगी वो ध्यान देना है आपको, उसकी फिर जो रिएक्शन होगी वो ध्यान देना आपको। तो यहाँ पे वाटर से होगा और H+। ठीक है, तो यहाँ से जब ये आएगा तो CH3COOH, मान लो ये H हो गया। ठीक है, तो CH3COOH एसिटिक एसिड बन गया, क्या बन गया एसिटिक एसिड, और साथ में Mg बचा और OH Br, तो MgOH ऐसे लिख सकते हो Br। ठीक है, MgOH Br को यहां तक दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो ये थोड़ा सा कट रहा है, तो इसको हम नेक्स्ट लाइन में ला करके लिख सकते हैं बच्चों, इसको जैसे अगर वहां पे कट रहा है तो यहां से हम फिर से लिख दे रहे हैं कि आप समझ जाना कि उसके आगे जो है आप जितना हमने घेर दिया है CH3, यहां पर लिख दे रहे हैं CH3COOH, और यहां क्या बचा MgOH Br, या इसको कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं MgOH Br मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। तो इस तरीके से आपका एसिटिक एसिड आ गया। ये बहुत पूछा भी जाता है ग्रीक, या ऐसे पूछ लेंगे व्हाट हैपेंड ग्रिग्नॉड रिएजेंट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो बहुत ध्यान दीजिए 2 स्टेप में रिएक्शन होगा। इसी तरीके से अगर हम एरोमेटिक में जाना चाहें तो यहाँ पे आ जाएगा C6H5MgBr, इसका नाम बच्चों फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और यहाँ पे क्या लिखा मैंने O C double bond इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो भी इसी तरीके से आप ऐड करिए जैसे यहाँ पे किए हैं, एक एक तैयार करिए, एक उसी का आपको ऑफर मिल जा रहा। तो C6H5 वो फिर ऊपर चला गया, C आया सामने,
फिर यहाँ ओ और उससे जुड़ जाएगा क्या एम जी बी आर। और फिर इसका बच्चों अगर हम लोग वही करेंगे वाटर से एसिडिक मीडियम में तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं तो क्या आ गया C6H5COOH प्लस MgOHBr मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, ठीक है, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड बोल सकते हो। यहाँ पे भी देखिए आपका क्या बन गया बेंजोइक एसिड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था आपका फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ साथ आप याद रखिएगा कि साथ में कार्बन डाई ऑक्साइड से होगा। अब हम लोग फिर एसिल हैलाइड से रिएक्शन लिखने जा रहे हैं, किससे एसिल, या सीधे अगर हम फ्रॉम एसाइल हैलाइड, तो एसाइल या ये ग्रुप ध्यान दीजिए COCl, एसाइल या एसिड हैलाइड भी बोल सकते हो इसको, कौन सा ग्रुप है फ्रॉम एसिड हैलाइड। तो यहां पे अगर कंपाउंड लाए बच्चों CH3COCl बहुत फेमस कंपाउंड है, क्या नाम है इसका एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, और इसकी भी फिर से किससे रिएक्शन वाटर से। तो यहां पे मान लीजिए चलो ये बना लिया HCl, अब क्या बचा CH3COOH, CH3COOH प्लस HCl, एसिटिल क्लोराइड से बन गया आपका। तो इसी तरीके से अगर हम यहीं पे C6H5 ले लें बेंजोइल क्लोराइड C6H5COOH+HCl C6H5COOH HCl, ये क्या है बेंजोइल क्लोराइड। इस तरीके से इसे हम एसिड हैलाइड के नाम से जानते थे। इसमें COX ग्रुप होता है बच्चों COX, तो उस X के स्थान पे हमने क्या ले लिया क्लोरीन ले लिया। नेक्स्ट फ्रॉम आयन हाइड्राइड एनहाइड्राइड। अब एनहाइड्राइड का सिंबल में जैसे अगर आपको याद हो R CO और O, ये आपका हो गया एनहाइड्राइड। तो इस बेस पे हमने आपको एक फार्मूला बताया होगा CH3CO और ये O, इसका नाम क्या है, इसको हम लोग ऐसे भी लिखे हैं CH3CO का होल ट्वाइस ओ, इसका नाम क्या है एसिटिक आयन हाइड्राइड, एसिटिक आयन हाइड्राइड। एसिटिक आयन हाइड्राइड कि जब ये रिएक्शन होगा ये वही हाइड्रोलिसिस होगा, चाहे इसमें समझ जाओ चाहे इसमें समझ जाओ, तो CH3COOH, फिर यहां देखिए CH3COOH, इसका मतलब हुआ कि ये एसिटिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे दो, तो ऐसे इसमें भी हो जाएगा क्योंकि दोनों चीजें क्या है। इस तरीके से आप एसिटिक एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस करने पर भी क्या कर सकते हैं फॉर्म कर सकते हैं। ऐसे अगर आप बेंजोइक एनहाइड्राइड लेना चाहते हैं बेंजोइक, तो C6H5CO होल ट्वाइस हो,
बेंजोइक एनहाइड्राइड, ये हो जाएगा C6H5COOH। अगला फिर यानी इसमें भी दो बन जाएगा, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड बन गया, लेकिन किससे बनाया गया? ये बेंजोइक एनहाइड्राइड है, ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड अक्सर देखा होगा, बेंजोइक अगर आप पहली बार देख रहे हो तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, दोनों का हाइड्रोलिसिस हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसकी क्या पढ़ ली, प्रिपरेशन। तो एक साथ हमने तीनों की प्रिपरेशन पढ़ा दी, कौन थे तीनों की आपके को याद होगा, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड। तो आपके 12th लेवल में तीनों हैं, तो फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड आपकी एलिफैटिक हो गई और बेंजोइक एसिड एरोमेटिक। अगले वीडियो में हम लोग इसकी क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़। एग्ज़ाम बहुत पास में बच्चों, खूब मेहनत पढ़िए, मेहनत से पढ़िए और रिवीजन बहुत करिए। रिवीजन जितनी बार रिवीजन करेंगे, क्योंकि आप उधर पीछे पढ़ते गए होंगे, आपको खूब अच्छे से समझ में भी आता गया होगा, लेकिन रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो कभी ये मत सोचा करिए कि वो बच्चा बहुत तेज़ है, वो मेरा दोस्त बहुत पढ़ने में अच्छा है, इसका मतलब क्या, वो रिवीजन कर रहा है। तो आप भी रिवीजन करिए, मेहनत के लिए कोई ऑप्शन, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता। थैंक यू।